आज के YouTube ब्लॉग में हम लोग आए हैं जार्डन पाली राजस्थान, जहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि मंदिर आपको अभी आगे से दिखाते हैं। तो यार ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा होने वाला है क्योंकि अभी ये इसका जो है काम चल रहा है। अभी हम लोग खड़े हुए हैं जार्डन में, जिसके अंदर ये मंदिर बना हुआ है पूरे ओम की शेप में। अभी ये पूरा हुआ नहीं है, काम इसका धीरे धीरे चल रहा है। तो थोड़ा सा अंदर देखते हैं और अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी ड्रोन होता, अगर अभी हमारे पास ड्रोन होता तो हम आपको अच्छे से दिखा पाते ऊपर से कि ये कैसा दिखता है, लेकिन अभी हम आपको ये बोर्ड में दिखा सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो जल्दी जल्दी चलते। तो फिलहाल तो यहाँ पर पूरी पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है और अंदर जाने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंदर चलना पड़ेगा, पैदल चलना है। तो अभी सब हैं, हम लोग चलते हैं अंदर। इतना ज़्यादा बड़ा मंदिर है, गाड़ियाँ तो अंदर नहीं लेकर आने देंगे, लेकिन यहाँ पे हेलीपैड वगैरह बने हुए हैं, तो अगर आपके पास आपके प्राइवेट जेट्स हैं तो आप आपके प्लेन से आ सकते हैं। पहले तो यहाँ पे नंदी जी लगे हुए हैं, मतलब नंदी जी की स्थापना की हुई है। और इधर से सामने से हम लोगों को अंदर जाके देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो हमने जूते उतार दिए और यहाँ पे लिखी हुई है टाइमिंग्स, ये टाइमिंग देख सकते हो आप, आरती का समय, विश्राम समय। और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, अब ऊपर जल्दी देखते हैं। तो शिव जी के दर्शन करने से पहले हम लोग आए नीचे, जिनकी वजह से पूरा ओम आकार का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन के तैयार हुआ है उनको देखने के लिए, जिनका नाम है स्वामी परमहंस महाराज जी। तो एक बार हम आपको उनसे मिलवाते हैं। उससे पहले ये जगह भी आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बनी हुई है, कितना बड़ा एरिया है, और साथ में जो भी नक्काशी यहाँ पे हुई हुई है काफ़ी सुंदर है। तो ये है परमहंस महाराज जी, जिनका मंदिर भी यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनकी वजह से ही तो ये सब पॉसिबल हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिटेलिंग्स कितनी अच्छी की गई है, कितने अच्छे से बनाया गया उसे। और ये जो पूरा मंदिर है ये बना हुआ है 250 एकर्स की जगह में, जिसको 400 से 450 लोगों ने मिलकर बनाया है और ये अभी भी बनी रहा है। तो इसके साथ साथ में मैं आपको मंदिर भी दिखाती हूँ और डिटेल्स भी देती हूँ। और यहाँ से इनकी पूरी परिक्रमा का दिया हुआ है, तो यहाँ से आप परिक्रमा लगा सकते हो। और बाकी अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो में देखा है कि जो भी भगवान जी के पीछे का या जो भी परिक्रमा मार्ग पे पीछे की साइड होती है, उसमें माथा नहीं टेकते, क्योंकि ये नेगेटिव साइड होती है, तो उनके हमेशा फ्रंट में माथा टेकना चाहिए। ये इधर हर छोटे छोटे काम को बहुत डिटेलिंग दी हुई है, काफ़ी अच्छे से करा हुआ सब। यार यहाँ पे जितनी भी कार्विंग है, ये जितनी भी नक्काशी हुई है ना, कैमरा तो उसको जस्टिफाई नहीं करेगा, पर सामने से देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ट्रक लोड जो दे रहे हो आप, तो अब इधर अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या है। जब आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आओगे तो आपको दिखेंगे ये खूबसूरत से पिलर्स, जो यहाँ पे पिलर्स हैं उनकी ही काउंटिंग अगर आप करोगे तो वो पूरे के पूरे 2000 पिलर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसपे शिव जी के सारे रूप, सारे आइडल्स यहाँ पे कार्व किए गए हैं। तो आप ऊपर देखोगे तो आपको देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी। तो पहली बात तो ये जो ओम आकार में मंदिर बना हुआ है, तो इससे पता ही चलता है कि पूरा का पूरा मंदिर ही जो डेडिकेट किया गया है वो भगवान शिव जी को किया गया है। तो शिव जी की यहाँ पे प्रतिमा आप देख सकते हो, भगवान शिव जी के यहाँ पे सारे रूप लगाए गए हैं, और जिसके अंदर उनके सारे ज्योतिर्लिंग भी हैं, बाकी जितने भी रूप उनके हैं सब यहाँ पे ऑलरेडी काव किए गए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो शिव जी के साथ में ब्रह्मा और विष्णु जी की भी मूर्ति स्थापना की गई है, साथ में उनका त्रिशूल भी लगाया गया है। और बाकी आप जहाँ से भी इस मंदिर को देखोगे, सारी जगह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। इस मंदिर में जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2000 पिलर्स लगे हुए हैं, और मंदिर के पीछे परिक्रमा मार्ग भी बनाया हुआ है जहाँ पे आप परिक्रमा कर सकते हो। और इस मंदिर की जो स्थापना की गई थी, मतलब इस मंदिर को जब बनाना शुरू किया गया था वो 1955 में किया गया था, तो आप सोच सकते हो कि तब से अब तक ये मंदिर बनी रहा है, तो इसमें कितना ज़्यादा काम हुआ होगा। कार्विंग आप यहाँ पे हर जगह देखोगे उतनी ही सुंदर मिलेगी। और इस मंदिर का जो एक मोटिव है वो ये भी है कि विश्व का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा मंदिर तो है ही, लेकिन यहाँ पे योग आश्रम भी बनाया जाएगा, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी जो लोगों को यहाँ पे आके रहना है वो यहाँ पे आके रह सकते हैं। यहाँ पे एक स्कूल भी बनाया जाएगा ताकि बच्चे यहाँ पे आके
बाकी शिक्षा के साथ साथ में जो स्पिरिचुअल शिक्षा होती है, जो ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये वाला मंदिर तो मेन, जो जैसे आप अंदर आओगे आपको सामने दिख जाएगा जहाँ पे नंदी जी और शिवलिंग बने हुए हैं, और यहाँ पे सामने है हनुमान मंदिर। तो वो वाले मेन मंदिर के बाद जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे बना हुआ है हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, माता जी का मंदिर, तो अंदर चल के देखते हैं। तो अभी ये वो वाला एक पार्ट था ओम का, ये सेंटर था, ये दूसरा पार्ट है, और इसके पीछे भी एक और पार्ट है, पर वहाँ पे अभी जा नहीं सकते। हम लोग अंदर आए थे वॉशरूम के लिए, वॉशरूम वाली जगह, मतलब जहाँ पे वॉशरूम बनाया हुआ है, वहाँ पे भी देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है, काफ़ी प्यारा है। मतलब अक्षरधाम अगर आपने दिल्ली वाला देखा है ना, तो उसको टक्कर देता हुआ ये नहीं, बड़ा तो उससे काफ़ी होगा ही, होने ही वाला अभी भी, क्योंकि बन ही रहा है। ये देखो ये सारा ऐसे कॉरिडोर बनाया हुआ है। अभी जाते हैं हम वॉशरूम, वॉशरूम देखते हैं क्या है क्या नहीं है, मतलब ठीक है। मम्मी बोल रही है वॉशरूम साफ है अभी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है, तो फिलहाल ये तो वॉशरूम है, ठीक है। ये देखो ये इसका साइड व्यू, यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है काफ़ी जगह पे, और ये अभी हमें ऊपर जाना है, यहाँ से जाना है या वहाँ से जाना है। तो यार वैसे तो अभी हम लोग हनुमान मंदिर जो जाने वाले थे, वो पुराना वाला मंदिर है जो अभी बंद है, क्योंकि अभी दिन का टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो आंटी जी काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन्होंने हमें बताया कि अंदर स्विमिंग पूल वगैरह बना हुआ है जिसमें चंद्रबिंदु वगैरह है, तो अभी हम लोग वो देखने के लिए जा रहे हैं। और साथ में उन्होंने हमें ये भी बोला कि वो यहाँ पे 28 साल से काम कर रहे हैं, उनकी शादी भी यहीं पर हुई है, और क्या बोला था, पढ़ाई भी यहीं पर हुई है, तो बेसिकली उनका अभी जो 28 साल, मतलब जितने भी साल की वो है, उनका पूरा टाइम यहीं पर ही निकला है, और अभी इस मंदिर को बनने में 2-3 साल और लग जाएंगे, तो देखते हैं 28 साल में इतना बना है, 2-3 साल में और क्या क्या। अब तो शायद से थोड़ी टचिंग वगैरह बाकी है, अब देखते हैं अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पे, इतने सारे रूम्स एक तो बनाए हुए हैं, पता नहीं यहाँ पे रूम्स पर नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो पता नहीं यहाँ पर रहने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं, तो फिर देखते हैं, ये 3-4 साल बाद ही पता लगेगा। दिख रहा है अंदर कुछ होल्स वगैरह, ये यहाँ पे जो भी कुछ लोग रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे किचन वगैरह कुछ कुछ बनवाया हुआ है, तो अभी हम लोगों को तो एंट्री नहीं है, अभी सब बंद है। यहाँ पे अभी कुछ लोग वो दिखे हैं जो लोग ऑलरेडी काम कर, और कुछ लोग फॉरेनर्स यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, अभी मैंने 5-6 लोगों को देखा है, वो शायद जो लोग शिक्षा लेते हैं या वैसे जैसे स्कोन वाले होते हैं ना, वैसे अभी देखा मैंने अंदर। यार कुछ भी बोलो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह लग रही है, थोड़ी धूप ज़्यादा है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है घूमने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। क्यों, मम्मी कह रही है कि मेरे को छोड़ दो यहाँ पे थोड़े दिन, हम छोड़ तो देंगे लेकिन अभी इनको यहाँ पे रखेगा कौन, बात तो वो है ना। तो पीछे भी नंदी जी है, क्योंकि बीच वाला जो मंदिर है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो भी दिखाए थे वो सब है, नीचे महाराज जी है, ठीक है, जिनकी वजह से ये मंदिर आज बन रहा है, जो उसकी स्टोरी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये पूरा बैक साइड है, और पीछे ये चंद्र बिंदु वाला जो बनाया हुआ है ये भी हम आपको दिखाते हैं। उन्हीं का पानी उन्हीं को चढ़ा दी, ये वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है, और वाटर टैंक के नीचे ये बनाया हुआ है स्विमिंग पूल थोड़ी है यार ये। तो ये पूरा चांद की शेप में बनाया हुआ है, और ये सारा पानी ऊपर से उधर से आ रहा है, वाटर टैंक है। तो इस ओम मंदिर की जो स्टोरी है जो मेरे को पता है वो भी मैं थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जो ओम मंदिर है अभी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है, सबसे पहला मंदिर होने वाला है जो ओम के आकार में है, और इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो महाराज परमहंस जी थे उन्होंने एक बार किसी फॉरनर को ऐसा बोलते हुए सुना था कि मैं इंडिया गया लेकिन मैं ताजमहल नहीं घूम के आया, तो ऐसा लग रहा है मैं इंडिया गया ही नहीं। तो उनकी ये सोच थी कि वो चाहते थे जब भी कोई इंडिया आए तो एक ऐसा मंदिर वो बनाए जब लोग बोले कि मैं इंडिया गया लेकिन ये वाला मंदिर मैंने नहीं देखा, तो उसकी वो जो ट्रिप है उसका जो पूरा प्लान है वो इस मंदिर पे आके, मतलब ऐसा फोकस होना चाहिए कि वो इस मंदिर को भी देखे जब वो इंडिया है।
अभी भी यहाँ पे इतनी ज्यादा धूप है, टेम्परेचर इतना ज्यादा, फिर भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और इसका दूसरा ये भी है ना कि तो जब रामलला की स्थापना अयोध्या में हुई थी उसी वाले महीने में उसी के 15-20 दिन बाद भी इस मंदिर की भी स्थापना हो गई थी। इस मंदिर में भी शिवलिंग रख दिया गया था। और बाकी जो ये मंदिर अगर आप अभी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये है राजस्थान पाली जॉर्डन, जॉर्डन नहीं है जार्डन है, जार्डन के अंदर। तो आप एक बार जरूर इस मंदिर को भी देखने आना, बहुत प्यारा बना हुआ है। हेलो, तो ये मंदिर इतना बड़ा है आपको यहाँ से वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अपने प्लेन वगैरह है, हेलीकॉप्टर उतारना है, तो यहाँ पे आपके हेलीकॉप्टर चौकर्स के लिए भी हेलीपैड बना हुआ है, तो आप वो लेकर यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन आप गाड़ी लेकर अंदर नहीं आ सकते, धूप में इतना चले। अब हम लोग जा रहे हैं मटके का पानी पीने के लिए, पानी भी कहते हैं मटके का। ये रहे राजस्थान के कच्चे मटके, पानी नहीं मिल रहा ये भी लगा। अगर वाटर कूलर से पानी पीना उससे भी पी सकते हो, मटके से भी पी सकते हो, हम इससे पी लेते हैं। तो ये है ओम पूरा, ठीक है, जो हम आपको ऊपर से तो दिखा नहीं पाए, साइड साइड से दिखाया, जहाँ जहाँ पे ये ब्लू ब्लू दिख रहा है सब पानी आने वाला है, और ये सब ग्रीनरी आने वाली है जो अभी आई नहीं है पर जल्दी आ जाएगी। इसी के साथ में इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे।